दे हैव सेट द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल. आपको दिख रहा है वहां पे इट इज एस्टिमेटेड करके ए वाला पार्ट है. देखो नीचे वाला, देखो तीन चार लाइन के नीचे मिला, देखो ना वहां पे प्राइस ऑफ ए, ए दिया है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. हाँ वो पढ़ो, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस्ड बाई 10%. मतलब लास्ट ईयर मेरे को है ना दिस आई वॉज गेटिंग एट दिस प्राइस, बट मेरे को इस बार है ना 10% कम में मिल रहा है. इट इज रिड्यूस्ड, मतलब आई एम गेटिंग 10% लेस, मीन्स आई एम गेटिंग इट एट 90%. समझ में आ रहा है? मतलब द रिवाइज वैल्यू विल बी, रिवाइज वैल्यू विल बी द 90% ऑफ इट. 10% कम ना, तो 90% पे मिल रहा है. तो 2500 मल्टीप्लाई बाई 90%, दैट इज 2250. समझा? अच्छा, एंड व्हाट आर दे सेड यू नो, कि लास्ट ईयर वी वर ऑपरेटिंग ऑन, ऑपरेटिंग एट 30,000 यूनिट, दैट वॉज माई 100%. दिस ईयर आई एम ऑपरेटिंग इट एट 15,000. सॉरी 15,000 कहां से आया? 50%. तो 30 का 50%. आपको मालूम पड़ रहा है वो लॉजिक कैसे कैसे फ्लो कर रहे हैं हम लोग यहां पे? हर एक चीज का पकड़ है हम लोग, वी हैव टू कैच ईच एंड एवरीथिंग नाउ. समझा? इसको मल्टीप्लाई करो इनटू यूनिट्स ना, 15,000 विल गेट द टोटल अमाउंट, एंड दिस टोटल अमाउंट विल बी यूजिंग इन अवर क्वेश्चन. समझा? आगे 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 दे हैव सेड लेबर इज 33 crore डिवाइडेड बाई 30,000, दिस विल बी 1,000. पूरा ये कॉपी कर लेते हैं. अभी सेल्स इज टू बी 15 crore, तो यहां पे सेल्स है, यहां पे लिख दो 15 crore. जीरो में गड़बड़ मत करना. जीपी इज 20%, तो 15 करोड़ का 20%, 10 इज 1 करोड़ 50 लाख, सो 2 इज 3 करोड़. सही है? चलो आगे. नेक्स्ट दे हैव सेड जीपी भी हो गया. अच्छा, अभी हम लोगों को टोटल कॉस्ट मिल सकता है ना. अभी यहां पे दिस इज 12, 12 करोड़, 15 माइनस 3 12, बैलेंसिंग फिगर बिना मेरे को ये. अच्छा 7 करोड़ 50 लाख प्लस 3 करोड़ विल गिव मी 10 करोड़ 50. 1050 माइनस 12 will give you 1 crore 50 lakh. थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, कैलकुलेशंस में देखना बराबर से आप लोग. 12 माइनस 10.5, यस इट्स 1.5. ये मिल गया ना, आधा काम खत्म हो गया. अब इसको इससे डिवाइड कर दो 30,000 से. दिस विल बी 500. दिस विल बी अगेन डिवाइड ही करना है अपने को 30,000 से. इसको भी डिवाइड करना है, इसे भी डिवाइड करना है, बराबर है. 12 डिवाइड बाई दिस, तो दिस विल गिव मी 4,000. दिस विल गिव मी 1,000 अगेन. दिस इज हाउ मच? 5,000. ये समझा? अभी खाली उसको मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट देखो, वेजेस विल बी रिड्यूस्ड बाई 20%. मतलब क्या मालूम है कि जो वेजेस का अमाउंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 1,000, वेजेस का जो अमाउंट है 1,000 विल बी रिड्यूस्ड बाई 20%. मतलब इट विल बी गिवन नाउ एट 80%. 20% कम हो गया, तो 1,000 इंटू 80%, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 80%, दैट इज 800.
and the units will remain same for this also. Pakka. Chal. Next. Chalo, chalo, chalo. Next, next. What I said. Selling and dis. Na. Overage will be increased by 10%. So, here, 500 dikh raha hai na, yahan pe increment ho raha hai. So, this will be 110%. That is 550. यहाँ पे रिडक्शन था, यहाँ पे रिडक्शन था, यहाँ पे अपग्रेडेशन था. मतलब there was the reduction in the price of the raw materials and labour, but the overhead increased by 10%. It increased by 10. तो पहले हम लोगों को 100% देना पड़ता था, अभी हम लोगों को 100% भी देना है plus 10%. That is 110%. 500 का 110% is 550. अभी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है अपने को. चलो अच्छा, ईच एंड एवरी टाइम 15,000 ही आएगा. दिस इज रिवाइज राइट, ये फोर्स चालू हो गया. पार्टीशन है यहाँ पर. टू थाउजेंड थर्टीन एंड फोर्टीन. अच्छा अभी सबको ऐड कर दो. टू टू फाइव जीरो प्लस 550 प्लस 800 विल गिव यू 3600. इसको भी 15,000 से मल्टीप्लाई करना है. थोड़ा मैथमेटिक्स अभी फिर से मैथमेटिक्स. व्हाट आर दे सेड, ही वांट्स 20% ऑन सेल्स. सो लेट दिस बी 100, लेट दिस बी 100. ऐसा नहीं लिखता सर, ऐसा लिखता. If this is 100, he wants a profit on this, so this is 20%. So 100, profit is 20. So what is the cost? 80. Abhi cross multiply kar lo. Nahi samjha. He wants 20% on sales, so sales ko 100 de lo. Iska 20% will be 20. So when the selling price is 100, cost profit is 20, so what is the cost price? 80. Abhi mil gaya na, compare kar do. To kitna aayega iska answer? 3600 multiply by 20 divided by 80. So 900 plus kar do. 4500. सर ये चेक कैसे करें हम लोग का आंसर राइट है कि नहीं? वेरी सिंपल, 4500 का 20% निकालो. 4500 मल्टीप्लाई बाय 20% आंसर. सो मैजिक सेम आ रहा है, कुछ मैजिक वैजिक नहीं, लॉजिक है बॉस, सिंपल लॉजिक है. इफ इट इज 20 अपॉन 100, इफ इट इज 20 अपॉन 100 ऑफ प्रॉफिट, तो इट विल बी 20 अपॉन 80 ऑन कॉस्ट. मतलब प्रॉफिट इज 20 अपॉन 100 ऑन सेलिंग प्राइस, सो प्रॉफिट विल बी 20 अपॉन 80 ऑफ कॉस्ट प्राइस. आर वी गेटिंग इट? एकदम वंडरफुल. चलो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले आओ. इसको भी इंटू 15,000, इसको भी इंटू 15,000, मल्टीप्लाई. चलो नाउ 15,000 कॉमन है, तो 15,000 मल्टीप्लाई 15,000 मल्टीप्लाई 2250. आंसर इज, थोड़ा बड़ा नंबर है, 3,37,50,000. मैंने बड़े बड़े नंबर इसके लिए लिया है ताकि यू बिकम फेमिलियर विद द बिग अमाउंट्स. छोटे नंबर भी कर सकते हैं हम लोग, बट यू गेट यूज टू ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट 800 एंड इक्वल टू, सो 1,20,00,000. 550 equal to 82,50,000, 3,600, 5,40,000, 900 will give you 1,35,00,000, and 4,500 will give you 6,75,00,000, and you are now done with this. Hush sir, hush. थोड़े बड़े बड़े अमाउंट से, बाकी तो क्वेश्चन वॉज सिंपल.
इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, खाली हम लोग को सीपीयू फाइंड करना पड़ा और उसका रिवाइज सीपीयू फाइंड करना पड़ा और बाद में उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से, सही है। लेट्स प्रोसीड, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे वाला। नेक्स्ट व्हाट दे सेड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर, रॉ मटेरियल विल रिमेन इन स्टॉक फॉर वन मंथ, तो रॉ मटेरियल का वन मंथ, फिनिश गुड्स फॉर टू मंथ्स, तो फिनिश गुड्स फॉर टू मंथ्स, कस्टमर्स एट सेलिंग प्राइस विल एंजॉय वन मंथ क्रेडिट, सो कस्टमर्स वन मंथ, सप्लायर्स फॉर टू मंथ्स, फॉर टू मंथ्स, टाइम लैग इन पेमेंट फॉर वेजेस इज वन मंथ, वन मंथ, एंड फॉर ओवरहेड्स ऑल्सो वन मंथ, मतलब वेजेस एंड ओवरहेड्स को हम लोग वन मंथ के बाद में पेमेंट करते थे, प्रोसेसिंग पीरियड इज वन मंथ, डन, एंड द कैश बैलेंस इज टू बी 30 लाख, ये रुपीज में दे दिया। क्लियर है? चलो अभी कैलसी हाथ में ले लो, डायरेक्टली करते जाओ। फर्स्ट रॉ मटेरियल्स वन मंथ, तो रॉ मटेरियल्स का ये रहा अमाउंट, हम लोगों को जाना पड़ेगा वहां पे, थोड़ा घूमना पड़ेगा, 337,50,000, सो रॉ मटेरियल्स में 337,50,000 एंड ड्यूरेशन इज वन मंथ, सो डिवाइड बाय 12, सो 3,37,50,000 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू 28 लाख, 12,500। नेक्स्ट WIP वर्किंग नोट नंबर 3, यहां पे बना देते हैं हम लोग छोटा सा, यहां पे हाउ मेनी मंथ्स दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द वर्क, WIP इज वन मंथ, वन मंथ, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। चलो अच्छा, हैव दे गिवन यू एनी इन्फॉर्मेशन के 50% इज कंप्लीट, 60% इज कंप्लीट, कुछ भी नहीं, तो विल अज्यूम व्हाट 50%, सही है। चलो रॉ मटेरियल्स अमाउंट इज हाउ मच, 337,50,000, ड्यूरेशन इज 1/12 मल्टीप्लाई बाय 100%, जो भी आंसर आएगा बाहर। लेबर अमाउंट इज सेट टू बी 1,20,00,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज 82,50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 50%। चलो 337,50,000 डिवाइडेड बाय 12 दैट विल गिव यू 2,81,000, 28 लाख, 12,500, यहाँ पे 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू इंटू 50% भी करना है विल गिव यू 5 लाख, यहाँ पे 82,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 50% विल गिव यू 343,750। Add up plus 5 lakh plus 12,500 will give you 36,56,250 and this is the calculation of the WIP amount directly likh do 36,56,250 working note for this 36,56,250 and you are done. खत्म। आगे नेक्स्ट वाला सेट
फिनिश गुड्स फॉर टू मंथ्स, फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ये रहा 5,40,00,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू टू मंथ्स, फाइव करोड़ 40,00,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव यू 90,00,000 डन। डेटर्स फॉर वन मंथ, डेटर्स हम लोग कौन से वैल्यू पे लेंगे, सेलिंग प्राइस, बिकॉज दे हैव सेड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल दिया उसने सेलिंग प्राइस, कस्टमर्स कस्टमर सेलिंग प्राइस इज 6,75,00,000 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ्स दे आर सेइंग वन मंथ अपॉन 12 6,75,00,000 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू 56,25,000 डन। कैश एंड बैंक बैंक दे आर सेड 30,00,000 इज टू बी maintain and we'll get the current assets and current assets is the gross working capital, apne ko net working capital find karne ka, current liabilities first one raw materials 2 months ye raha 3,37,50,000 into 2 months divided by 12 281 250 ka double kar do 28,12,500 का डबल कर दो 56,25,000 समझ में आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स एंड दे हैव सेट द टाइम लैग इन द पेमेंट इज वन मंथ, ये रहा दोनों का वन वन मंथ है। सो वेजेस का अमाउंट है 1,20,00,000 इंटू 1/12 एंड ओवरहेड्स का टोटल है 82,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू अगेन वन मंथ। इसका आपने को अमाउंट मालूम है यहाँ पे, ये रहा डायरेक्टली कर सकते हैं 10,00,000 50 को निकाल दो एंड इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 343,750 मल्टीप्लाई बाय 2 687,500 सो 6,00,000 87,500 एंड इसका 10,00,000 डन। दे आर इन अ लाइन, यस दे आर टोटल कैलकुलेट करते हैं अभी 28,12,500 will give me 154,68,750 प्लस 56,25,000 30,00,000 24,09 2,40,00,000 93,000 एंड 750 चलो अभी इसका टोटल कर ले, ये एम प्लस में डाल देते हैं 56,25,000 प्लस 16,87,500 73,12,500 दिस इज बी
इसको इससे माइनस कर दो, एम माइनस एम रिकॉल, तो आंसर मुझे आएगा 1,67,81,250, 1,67,81,250. एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन. दिस इज योर वर्किंग कैपिटल. आर वी गेटिंग इट? ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए उठाया था बिकॉज थोड़े नंबर्स बड़े हैं ना, तो आप लोग को थोड़ा फास्ट हो जाएगा. अब इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, इसके बाद वाला क्वेश्चन इतना सिंपल लगेगा आप लोगों को, इतना सिंपल कि जिसकी हद नहीं है. क्योंकि अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बड़े बड़े अमाउंट्स ले लिए ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इतने अमाउंट्स बड़े नहीं है, एक स्टेप जो है ना कम है. करें अभी हम लोग वो क्वेश्चन, इसको आप कॉपी कर लो. आई गेस कुछ मिस आउट तो नहीं किया. अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है ये, आपको थोड़ा ऊपर नीचे करते रहना पड़ेगा. अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा देखते रहने का कौन क्वेश्चन बराबर लिखा है कि नहीं. आप बोलते नहीं, मुझे याद नहीं दिलाते यार. करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज डन, वर्किंग नोट्स डन, दिस इज डन, दिस इज डन. चलो कॉपी करेंगे अभी आप, कॉपी. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. इसको मिटा दो, पहले ही कर दो यार, टेंशन नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल लगेगा. हैव अ लुक, हैव अ लुक. द मैनेजमेंट ऑफ द काका लिमिटेड हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एस्टीमेट एन एस्टीमेट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर 2013 एंड 14 अलॉन्ग विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. ये रहा कॉस्ट शीट, मतलब इसके भी अपने को मार्क्स मिलेंगे अभी, समझा? इसके भी अपने को मार्क्स मिलेंगे. प्रेजेंट पोजिशन फॉर 12 एंड 13 ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 40% गिविंग यू एन आउटपुट ऑफ 40,000 यूनिट्स. मतलब अगर हम लोग आज 40% पे
ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो मेरा आउटपुट कितना होता है 40,000। तो अगर 40% इज 40,000 तो 100% इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई गेट द आंसर। तो 40 आप करो करो कैंसिल हो कैंसिल हाथ में लो करो 40,000 डिवाइड बाय 40% 1 लाख 1 लाख आंसर आया होगा, दैट इज 100% कैपेसिटी। ओके नेक्स्ट, कॉस्ट स्ट्रक्चर पर यूनिट इज गिवन टू यू, रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट। ओके एस्टिमेट द एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर 13-14, ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 60%, सो 1 लाख का 60% दैट इज 60,000। कॉस्ट स्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, क्या बोला वो, कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट देखो कितना दिया वहां पे 20 दिख रहा है, इंक्रीज हो गया कितना परसेंट 10%, सो 20 का 10% इज 2। तो अभी अपने को वही चीज 20 प्लस 2 में मिलने वाला है, सिंपल 10% इंक्रीज हो गया ना, 100 भी देना पड़ेगा प्लस 10% देना पड़ेगा, तो 110% डायरेक्टली भी कर सकते हैं 20 प्लस 2 दैट इज 22, या तो डायरेक्टली करो 20 मल्टीप्लाई बाय 110%। समझा? ओके नेक्स्ट दे हैव सेड लेबर इंक्रीज बाय 20%, तो लेबर का अमाउंट देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 120% डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा, तो 15 का 120% इज 18, सिंपल डायरेक्टली आंसर मिलता है अपने को। नेक्स्ट दे हैव सेड ओवरहेड इज टू बी इंक्रीज ना हाँ ओवरहेड इज टू बी इंक्रीज बाय 20%, मतलब सब इंक्रीज ही हो रहा है, देयर आर अ लूप, तो ओवरहेड्स का 20% इंक्रीज कर देंगे, तो जो भी अमाउंट रहेगा मल्टीप्लाई बाय 120 गेट द आंसर। सेलिंग प्राइस टू इंक्रीज बाय 20%, सब 20% से इंक्रीज हो रहा है खाली रॉ मटेरियल्स को छोड़ के। ओके द फॉलोइंग इज अ फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, द परचेस प्रोडक्शन एंड द सेल्स पैटर्न इज अज्यूम टू बी इवन थ्रू आउट द ईयर, बहुत टाइम के बाद में आए ये मालूम है हम लोग को, थैंक यू भाई। देन दे हैव सेड द रॉ मटेरियल्स विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ। ओके द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर 1 मंथ वेर इन लेबर एंड ओवरहेड्स विल अक्रू इवनली ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये क्या बोल रहा है, द प्रोसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस विल टेक 1 मंथ वेर इन द लेबर एंड ओवरहेड्स विल अक्रू इवनली ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब क्या मान लो नहीं कुछ नहीं इवनली वो अक्रू होने वाला है, होता ना इवनली थ्रू आउट द ईयर, वैसे यहां पर दिया है उसमें मतलब कि आप अगर है ना, अच्छा इन्फॉर्मेशन अपने को दिया नहीं यहाँ पे कि प्रोडक्शन कितना प्रोसेस में है, तो यहाँ पे अगेन वी विल अज्यूम व्हाट 100% 50% 50%। आगे द फिनिश गुड्स विल रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 मंथ्स। ओके द सप्लायर्स विल अलाउ 1 मंथ क्रेडिट, तो सप्लायर्स का करंट लायबिलिटी 1 मंथ, द टाइम लैग इन पेमेंट फॉर लेबर इज 1 मंथ एंड द टाइम लैग फॉर द पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स विल बी 1/2 मंथ, तो लेबर का 1 मंथ एंड ओवरहेड्स का 0.5 मंथ, 1/2 मंथ करो ना 0.5। नेक्स्ट दे हैव सेड कैश एंड बैंक बैलेंस जस्ट एक्सपेक्टेड टू बी 25,000। ओके कैलकुलेट डेटर्स ऑन कॉस्ट बेसिस, अंडरलाइन बॉस अंडरलाइन, क्या बोला वो, डेटर्स को कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे भी अपने को वो वर्किंग नोट लिखने की जरूरत, अजम्पशन का नोट जो है लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली किस पे लेने का, कॉस्ट पे, क्यों, क्योंकि उसने बोला है। आगे 20% ऑफ द परचेजेस विल बी ऑन कैश बेस, मतलब यहां पे इस बार द क्रेडिटर्स का अमाउंट विल बी 20% ऑन कैश, सो क्रेडिट के ऊपर 80%। तो क्रेडिटर्स का यहां पे जो अमाउंट लिखेंगे ना हम लोग यहां पे, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे 80% में कैलकुलेट करेंगे, कितने पे 80% पे, क्योंकि क्रेडिट कितना हो रहा है 80% हो रहा है। डन हो गया क्वेश्चन, हो गया बॉस, चलो सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या बनाएंगे हम लोग, कॉस्ट स्टेटमेंट, इसको रब कर दूं मैं, रब करते हैं, रब कर दिया मैंने सीपीयू फॉर द लास्ट ईयर, उससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे द रिवाइज्ड सीपीयू, इट विल मल्टीप्लाइड विथ द यूनिट्स, विल गेट द टोटल, यहां पे इस क्वेश्चन में टेंशन ही नहीं है,
लास्ट क्वेश्चन में हमने पूरा टेंशन कर लिया था. चलो विल डू दिस फर्स्ट. बुक्स ले लो हाथ में. रॉ मटेरियल 20 रुपीस, लेबर इज 15 रुपीस, ओवर हेड इज 10 रुपीस, दिस विल सम टू 45, 5 रुपीस यहाँ पे, तो 50 रुपीस विल बी द सेलिंग प्राइस. नाउ रिवाइज. उसके नीचे देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज 60% ना. अच्छा, फर्स्ट इट वॉज 40%, यहाँ पे इस साल में 40%, ईयर वॉज 12-13, दिस इज 13-14. तो यहाँ पे है ना, रिवाइज विल बी 60,000. कैसे 60 आया पता है आपको? 40% तो 40,000, तो 60% कितना? आप ऐसे भी कर सकते हो, 40% अगर 40,000 है तो 100% कितना, फिर उसका 60% क्यों करना है, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना है? अगर 40% मेरा 40,000 है तो 60% मेरा कितना होगा? दैट इज 60,000. और हर एक जगह पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, बराबर है. चलो अभी एक एक करके करते हैं. द रॉ मटेरियल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%, तो यहां पे है ना 110%, दैट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाय 60,000, 10% इंक्रीज. लेबर इंक्रीज बाय 20%, 120%, दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 60,000. ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 20%, इसका आ गया 120%, दैट विल बी 12 into 60,000. एंड सेलिंग प्राइस इज टू बी इंक्रीज बाय अगेन 20%. सो 20% इज 16 into 60,000. सेल का इंक्रीज है भाई, बोलो कि क्या प्रॉब्लम है. 10, सो दिस विल बी 50 का 20% इज 10, सो 60. 50 का 120% इज 60, और ये तो 60,000 से मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है. सो टोटल कॉस्ट वी कैन फाइंड आउट, दिस इज 12, कैन सी अलाउड है, दिस इज 30, 52, 8, तो 8 रुपीज़ यहाँ पे, 52 रुपीज़ यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करना है 60,000 से. कॉन्स्टेंट कर दो, 60,000 मल्टीप्लाई इंटू 60 विल गिव यू 36 लैक्स. एट विल गिव यू 4,80,000. 52, 31,20,000. 12 will give you 7,20,000. 22 will give you 13,20,000. 18 will give you 10,80,000. And you are done. आपने को मिल गया ये? मिल गया? कर पाएंगे अभी? चलो मेरा फर्स्ट वर्किंग नोट तो खत्म हो गया. सेकेंड, दे हैव सेड द परचेज एंड प्रोडक्शन सेल्स पैटर्न अज्यूम टू बी इवनली थ्रू आउट द ईयर. द रॉ मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक फॉर वन मंथ, प्रोडक्शन इन प्रोसेस 1 month, फिनिश्ड गुड्स फॉर 2 months, कस्टमर्स फॉर 2 months,
suppliers for 1 month. Time lag for labors is 1 month and for overhead is half month, so 0.5 month. And cash and bank balance is to be assumed to be is to be maintained at 25,000. Acha, and if they have said the creditor is to be this time 20% on that, so 80% will be on credit. Sahi hai? And debtors are to be calculated on cost. On cost, so yahan pe bina bhule likh denge hum log total cost. Done. Kare hum log ise? Chalo, aa jao. Calci le lo haath mein. Amounts dekhenge, multiply karenge, answer likh denge. Raw materials amount is 13,20,000. So raw material 13,20,000 multiplied by 1 month divided by 12. So 13,20,000 divided by 12 will give you 1,10,000. आप मेरे साथ में लिखिए. We can write it together. Total cost 31,20,000 and finished goods is for 2 months. So 31,20,000 divided by 12 multiplied by 2 will give you 5,20,000. And the WIP. WIP 13,20,000 divided by 12. 10,80,000 divided by 12 and 7,20,000 divided by 12. Acha. For WIP they have said 1 month. So 1 for material it will be 100%, for labor it will be 50%, and for overhead it will be 50%. 13,20,000 divided by 12 will give you 1,10,000. Then they have said 10,80,000 divided by 12 and half of it, so 45,000. And 7,20,000 divided by 12 and half of it again 30,000. Take the total. 1,10,000 plus 75,000 is 1,85,000 WIP. 1,85,000 directly over here. Add kar do abhi. 1,10,000 plus 5,20,000 will give you 8,15,000. Done ho gaya. Chalo next. Debtors. At what? At cost. Debtors will be calculated at cost this time. Question is specifically mentioned here. What is the cost? 31,20,000. Debtors is given 2 months credit upon 12. So again the amount is 5,20,000. Same RI. Cash and bank balance 25,000. Cash and bank 25,000. अभी high है साथ में तो करी तो 5,20,000 plus 25,000 will give you 13,60,000. सही है? चलो creditors 80%. तो creditors का यहाँ पे 80% लिखना मत भूलना. Don't make a mistake out there. Creditors amount 13,20,000. Multiply by how many months credit? 1 month. So divide by 12 and the whole will be multiplied by 80%. 13,20,000 multiplied by 1 divided by 12 and 80% of it. 88,000. Wages and overhead 1 month and 0.5 month. Chalo. 10,80,000 wages.
इंटू वन डिवाइड बाई ट्वेल्व, नहीं इसको कुछ नहीं करना है ना, इसका हमने कैलकुलेशन पहले ही कर दिया है 90,000 ओवर एक्स 7,20,000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 12 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 12 विल गिव यू 30,000 द टोटल 1,20,000 प्लस 88,000 2,08,000 फॉर दिस तो W वर्किंग कैपिटल विल बी 11,52,000 एंड यू आर फिनिश्ड विद द क्वेश्चन आई होप यू गॉट इट समझा ये चीज एक चीज कॉमन हो रही है क्या जो वर्किंग नोट्स है मैंने पहले ही जो लिखा था ना मैंने अभी तक रब ही नहीं किया आई डिडंट इवन यू नो इरेज्ड इवन वन थिंग मोनोटोनस जा रहा है ये चीज इट्स वेरी 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 मोनोटोनस मैंने इसको ऐसे बना दिया है ना ये फॉर्मेट को कि लाइक इट द क्वेश्चन कैन बी इन एनी फॉर्मेट हम लोग तो ऐसे डाल देना एंड एक बार ये दो बन गया ना तो क्या करने वालों में इसका हम लोग आंसर में डाल देंगे दिस इज कैरिंग मार्क्स बट ऑफ कोर्स वर्किंग नोट ऑल्सो डू कैरी मार्क्स फॉर दिस सो इन दिस क्वेश्चन ना इन दिस क्वेश्चन दिस ऑल्सो विल बी अ पार्ट ऑफ एन आंसर ये आपका सॉल्यूशन रहेगा समझा कॉपी करें इसे क्वेश्चन नंबर 7 था ये क्वेश्चन नंबर 7 यस विल स्टॉप इट हियर टुडे आज हम लोग इधर ही रुकते आप लोगों का होमवर्क एक क्वेश्चन मैंने अभी आज दिया था आप लोग को एंड जो क्वेश्चन अभी करवाए एवरीथिंग जस्ट रिवाइज इट वंस एवरीथिंग पूरा एक बार और आपको याद हो जाएगा नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट तो थोड़े और एस्टीमेट्स के क्वेश्चन और निकालेंगे हम लोग थोड़े मिक्स प्रोडक्ट्स के भी क्वेश्चन निकालेंगे कॉपी करिए इसे बाय बाय